कुंभ राशि, अनर्थ घटना होने वाली है, सावधान, सभी काम छोड़कर इस वीडियो को देख लो। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। 13 अप्रैल का आपका कुंभ राशि भविष्य कैसा रहेगा, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से बताने वाले हैं। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। दोस्तों, आपके जीवन में ढेरों खुशियां आएगी, आप अपने जरूरी कामकाज पर पूरा ध्यान लगा पाएंगे, आपको अपनी मेहनत का बेहतरीन नतीजा हासिल होगा। दोस्तों, गौरी पुत्र गणेश जी की कृपा से प्रेम संबंधित मामलों में सकारात्मक बदलाव आने के योग बन रहे हैं, आप अपने प्रिय के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अचानक आर्थिक मुनाफा मिल सकता है, दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा। काम के सिलसिले में आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं, आपके द्वारा की गई यात्रा सफल रहेगी। तो चलिए अब बात करते हैं आपका सामान्य सा राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। किसी भी बड़े काम में आपको अपने से बड़े लोगों की तारीफ मिल सकती है, जिस प्रकार की परिस्थितियां होगी आप उस प्रकार का काम भी करेंगे, खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढाल सकते हैं, इसमें आपका ही फायदा छुपा है। आपकी बातें और विचार लोगों को पसंद आएंगे और आप उन्हें आसानी से प्रभावित भी कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में अच्छा संतुलन बना रखेगा, परिवार से आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा, आपकी कही गई भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हो सकती है। आज के दिन ऐसी चीजों पर काम करने की जरूरत है जो आपकी सेहत में सुधार ला सकती हैं। दीर्घावधि निवेश से बचिए और अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर कुछ खुशी के पल बिताएं। तो चलिए अब बात करते हैं कौन से बातों का ध्यान आपको रखना है उसके बारे में। आज दिन भर बहुत व्यस्त रहेंगे, किसी भी काम या फिर बात में अति करने से आपको बचना होगा, ऑफिस और कार्यक्षेत्र में अपनी गुप्त बातों को किसी से भी साझा ना करें, आपके आसपास के लोग आपकी बातों और आपकी बेरुखी से कुछ परेशान हो सकते हैं, परिवार के किसी सदस्य की तबीयत नासाज हो सकती है और आपको उसके लिए धन की व्यवस्था करनी भी पड़ सकती है। व्यापार में भी संभल कर चलने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि व्यापार में क्या होता है कि कभी कभार गलत निर्णय आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, गलत निर्णय आपको परेशानी में डाल सकती है, इसलिए जो भी व्यवसाय करते हैं, जहां पर भी आप कुछ व्यापार करते हैं, वहां पर संभल कर रहने की जरूरत है। समस्याओं को दिमाग से बाहर खदेड़ दे और घर व दोस्तों के बीच अपनी स्थिति सुधारने के बारे में सोचेगा। मुमकिन है कि आपकी आंखें किसी से चार हो जाएगी अगर आप अपने सामाजिक दायरे में उठेंगे बैठेंगे तो। अगर आप अपनी योजनाओं को सबके सामने खोलने में बिल्कुल नहीं चकते तो आप अपनी परियोजनाओं को खराब कर सकते हैं। अपने जबरदस्त आत्मविश्वास का फायदा उठाएं, बाहर निकलें और कुछ नए संपर्क व दोस्त बनाएं। जब तक नए संपर्क या फिर नए दोस्त नहीं बनेंगे, तब तक आप अपने व्यापार में बढ़ोतरी नहीं देख पाएंगे, अपने व्यवसाय को विस्तार होता हुआ नहीं देख पाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि किस तरह से अनर्थ घटना होने वाली है, किस तरह से आपको सावधान रहने की जरूरत है, विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, जैसे कि वीडियो में हमने अभी बात की है कि व्यवसाय के रिगार्डिंग जो भी गुप्त बातें हैं, जो भी प्लानिंग्स है, वो आप बिंदास सभी के सामने पेश करते हैं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी आपने योजना बनाई है, जो भी प्लानिंग्स आपने की है, उसके तहत काम करेगा और जब वह सक्सेस हो, जब उसमें आपको सफलता मिले, तभी जाकर सभी के सामने शेयर कीजिएगा। अगर प्लानिंग आपने बनाई है लेकिन उस प्लानिंग के तहत कैसे शुरुआत करनी है, इसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ही आप अपने निकटतम दोस्त या फिर परिवार में जो भी अनुभवी व्यक्ति हैं उनसे आप सलाह ले सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आपका लव राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर कोई परेशानी आपको बार बार सता रही है, उसका अगर हल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और कुंडली के आधार पर जानना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर कॉल करें अथवा व्हाट्सअप मैसेज करें, हमारे तरफ से रिप्लाई झट से मिल जाएगा और आपके सभी प्रॉब्लम परेशानियों का समाधान भी किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं आपका लव राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। दोस्तों, दोनों की समझदारी और सूझबूझ से आपके प्यार की गाड़ी बिना ब्रेक के दौड़ रही है, इसे ऐसे ही बनाए रखने के लिए कोई भी अवसर गंवाए बिना
अपने जीवन साथी को पैम्पर करते रहेगा। अभी छोटे भाई बहनों और चचेरे भाई से मिलकर आप आनंदित महसूस करेंगे। अपने दिल की बातों को बताने के लिए दिन सबसे शुभ है। किसी खास अवसर में नए संबंध बनेंगे। अपने बाबू को प्रभावित करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। धनराशिफल की बात करें तो लोगों को नकारात्मक प्रतिक्रिया, आयोजित भुगतान या फिर धन का घाटा आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन जीवन साथी के सहयोग से आप इस चरण में सफलता पाएंगे। कोई छोटी यात्रा आपको नई सीख देगी। आपके विचारों में स्पष्टता के कारण आपका जीवन रचनात्मक है। रचनात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए यह एक अच्छा समय है, लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले योजना बनाएं, उसके बाद प्रयास करें, और उस योजना में कुछ खराबी आपको लगे तो उसको थोड़ा बहुत रिपेयर भी जरूर कीजिए। करियर राशिफल की बात करें तो आप अपने करियर को लेकर किसी करियर एडवाइजर से मिलने की सोचेंगे। आपका यह निर्णय बहुत ही सही है, क्योंकि अब अपनी करियर संबंधित योजना बनाने का समय आ गया है। दिन का उपयोग खुद को सही रास्ते पर लाने में करेगा। घर्षण एवं विचारों की असमानता आप और आपके साथी के बीच विकसित होने की संभावना है, लेकिन आपको अपने विचारों से नहीं हटना है और उसी के साथ रहना है। लेकिन आप चिंता ना करें, क्योंकि ये स्थिति एक स्थायी मनमुटाव को जन्म नहीं देगी। हालांकि आपके साथी के साथ आपका थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, लेकिन जब ये पता चलेगा कि जो आपने किया वो अपने सही सोच कर किया था, तो आपको अपने साथी से और अधिक सम्मान मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ भी होकर मनमुटाव बढ़ता ही जाए, वाद विवाद आपके बीच बढ़ता ही जाए, तो एक ही काम करेगा, एक दो दिन आप एक दूसरे से बात बिल्कुल भी मत करेगा, शांत रहेगा, और उसके बाद कहीं शांत जगह बैठकर आपके बीच जो कुछ प्रॉब्लम हुई है, जो कुछ मनमुटाव हुआ है, जो कुछ शक का माहौल बना हुआ है, उसको सुलझाएगा। तो चलिए आखिर में बात करते हैं आपका स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आपके साथ कुछ ऐसा घट सकता है जो आपके हित में ना हो। आपके लिए बेहतर होगा कि आप आग या फिर नोकीले पदार्थों से दूर रहें, जैसे कि चाकू। आपके लिए यह भी अच्छा होगा कि आप गर्म पदार्थों को ना छुए और उनसे दूर रहें। आप किसी सामाजिक विवाद में खुद को उलझा हुआ पाएंगे। ऐसी स्थितियों से आपका मानसिक तनाव बढ़ जाता है और इसका बुरा असर आपकी सेहत पर भी पड़ता है। इसका सबसे अच्छा उपाय ऐसी स्थितियों से बचना है, परंतु ऐसा हमेशा संभव नहीं हो पाता। इसलिए खुद को राहत देने के लिए कुछ ऐसी तकनीकें अपनाएं जिससे आपको बिना बात का तनाव ना हो और आपकी सेहत खतरे में ना पड़े। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आपका जो कि कुंभ राशिफल रहने वाला है। वीडियो में बताई गई जानकारी जो कि ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महत सूचना पहुंचाना है। आप इसे सूचना ही तो लीजिएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप मानते हैं, अपनाते हैं, इनका उपयोग करते हैं, तो इससे पहले अपने नज़दीक के कुल पंडित से अवश्य संपर्क करेगा। आप चाहे तो ट्रेंडिंग राशिफल से भी संपर्क कर सकते हैं। कुंडली और इसमें मामूली सा बदलाव हो सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल पर इसी तरह राशिफल के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेगी, जिसे आप आने वाले दिनों के बारे में पहले से अनुमान लगा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं वीडियो के साथ। धन्यवाद।